आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में बाकी बची दो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कई दौर की लंबी उठापटक के बाद शनिवार को पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार की चौथी सूची जारी की, जिसमें उत्तराखंड की दो लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। इससे पहले पार्टी दूसरी सूची में उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों में से तीन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। ऐसे में सबकी निगाहें बाकी बची दो लोकसभा सीटों नैनीताल उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा सीट पर बनी थी, जिस पर आखिरकार पार्टी हाईकमान ने लंबी जद्दोजहद के बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली हरिद्वार सीट पर, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत पर भरोसा जताया, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रकाश जोशी पर दांव खेला है। यानी कि स्पष्ट है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने दो युवा चेहरों को तरजीह दी है। वीरेंद्र रावत के राजनीतिक करियर का ये पहला चुनाव है, जबकि प्रकाश जोशी इससे पहले साल 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव कालाडूंगी से लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, वो संगठन में कई महत्वपूर्ण पद भी संभाल चुके हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस में हरिद्वार लोकसभा सीट पर जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम चर्चाओं में था, तो वहीं नैनीताल सीट पर पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से सभी चौंक गए हैं। माना जा रहा है कि सर्वाधिक 20 लाख से ऊपर मतदाताओं वाली इन सीटों पर अब मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस के युवा चेहरों के बीच होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।